स्काउट और मावी के मैटर में किसी को एक्सपोज करना था? नहीं, I'm solo, Rush. I have left YouTube and मतलब of course Nehil could not be that big of a reason कि उसकी वजह से YouTube छोड़ दिया. इस क्लिप में मैंने किधर करा है फ्रेम कट? किसी का भी राइट नहीं है उस लड़की के अलावा कि मुझे कुछ भी बोले अगर वो. तो जब मैंने आपकी स्ट्रीम का टाइटल देखा था तो मुझे सच में लगा था आप शायद कुछ रिप्लाई करने वाले हो. तो मैं भी रिप्लाई नहीं किया था, तो मैंने और क्या किया था भाई? आपके प्रूफ देखने आया था कि लेजेंड को खिलाने से पहले आपने क्या क्राफ्टन से परमिशन ली थी. वो तो मैंने बोल दिया. हाँ, वो परमिशन का तो जवाब नहीं मिला. मिला क्या? अरे भाई अभी मैं पता है क्या, ये देख के मेरे को और कुछ नहीं सूझ रहा था भाई. अभी तो हमारा एक मस्त गेस्ट आने वाला है, वो गेस्ट आएगा तब आएगा असली मजा. ब्लैक्स के बारे में क्या बोलेंगे? लेकिन आपने उस पे बोल दिया कि मुझे ब्लैक से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो शायद आप भूल गए हैं. तो हम आपको याद दिला देते हैं कि आपके लेजिट भैया बैन होने से पहले तक उसी टीम के साथ में स्टेक कर रहे थे. भाई मेरे साथ अभी कौन खेल रहा है लेजिट? तो एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस लगा हुआ है, ठीक है? तुम्हारी एक टीम है, तुम्हारे चार प्लेयर्स हैं, क्या के बोलेगा कि ये जो पहली टीम में खेल रहा था तुम उसका क्लेरिफाई करो? मैं क्यों करूँ? सिंपल चीज है भाई, मैं मेरी टीम में जो खेल रहा है मैं उनके लिए स्टैंड लूंगा, बाकी लोगों के लिए मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे उन्हें कुछ भी करा हो ना करा हो. मेरा प्लेयर ठीक था, मेरा प्लेयर फिट एंड फाइन है, मेरा प्लेयर एकदम कुछ भी नहीं है, मेरा प्लेयर एकदम बढ़िया है, खेल रहा है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ. उन्हीं टीममेट्स के साथ में जब वो डिवाइस चेकिंग के लिए जाते थे तो उन्हीं सबके रिसेंटली डिलीटेड भी निकल के आते थे. इनफैक्ट उन्हीं में से एक फिनटॉक. भाई उन्हीं में से करने का क्या मतलब है? अगर मान लो फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारा एक ग्रुप है जिसमें तुम काम करते हो, अभी कोई चीज आके कोई तुम्हें बोले कि भाई तुम्हें तो ये किया है, तुमने ये किया जो कि तुमने नहीं करा है, फिर भी तुम्हें लोग बोलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई तुम क्यों जवाब दोगे? मैं इस फालतू बात पर रिप्लाई देना नहीं चाहता हूँ. सबसे पहली चीज कि मैं उनके लिए बोलूँ जिनको मैं टीम में नहीं लेता हूँ, तो सॉरी इसके पास मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि इसमें वर्थ इट नहीं है. ये मैं इसमें मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहूंगा. बाय गाइस, आई एम सोलो रश, ठीक है? जिसको आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग भूल गए होंगे, तो वो तकलीफ वाली चीज तो है थोड़ी, बट थोड़ा कोप करेंगे, क्या दिक्कत है. बात ऐसी है कि स्नेहिल भाई ने वीडियो बनाई थी मुझ पे बहुत पहले, ठीक है? द थिंग इज, ये जो फॉल्सली अक्यूज करने वाली चीज जो मेरे साथ करी थी स्नेहिल ने, उससे मैं आई डिडंट रिस्पॉन्ड, ठीक है? स्टार्टिंग में जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो आई थॉट कि आई रिस्पॉन्ड हिम, बट बाद में उसने ऐसी मतलब ऐसी बिगड़ती वाली काम करी वीडियोज में कि उसके बाद मुझे मन भी नहीं किया कि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ, ठीक है? दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट. बाद में स्ट्राइक मारने का भी यही रीजन कि मैं लाइक आई गॉट सो इरिटेटेड. एक तो मुझे मतलब एक होता है ना तंग आ जाना किसी इंसान से कि भाई ये बस कर दे यार, कितना और कितना झूठ बोलेगा, राइट? फाइन, नो वरीज, वो तो अभी देख लेते हैं कि झूठ है क्या सच क्या है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं स्नेहिल भाई के वीडियोस से जो स्नेहिल भाई के चैनल पे पड़ी है, ठीक है? चलो अब चलते हैं पहले क्लिप पे जहाँ पे स्नेहिल भाई ने क्लेम करा था कि मैंने फ्रेम कट करा है. ये है एक कॉम्पिटिटिव मैच की क्लिप, ये मोन्टाज थी मेरी टीवन मोन्टाज, मैंने डाली थी, ठीक है? और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि मैंने शॉट लेकर शॉट जो लिया था उसे मैंने फ्रेम कट करा था, ठीक? ये जो है ना, ये बंदे ने क्या करा है स्टार्टिंग में, इसने कैसे स्टार्ट करा है, इसने कैसे लोगों को गिराया है, किन्हीं लोगों ने इसकी वजह से गेम छोड़ दिया है फालतू चीजों की वजह से, कि ऐसे फेक किसी को मतलब मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे फेक एक्सेशन किसी पे डालना वो सही है. आई डोंट नो स्नेहिल कि अब इसका मतलब आई डोंट नो कि भाई अब कितना कम्युनिटी में फ्रॉड है, कितना ट्रूथफुलनेस है इनके अंदर. बट जब यार स्नेहिल भाई आपके जो आपका जब चैनल बूस्ट हुआ था, आपने मेरे पे वीडियो बनाई थी एंड फिर आपने आगे बनाना शुरू करा था, आपका फाउंडेशन ही इतना वीक और करप्ट है ना कि वो अभी दिख जाएगा सामने, ठीक है? इधर आकर के वीडियो देख लो भाई, मेरे बारे में जितने क्लेम्स हैं फास्ट फॉरवर्ड या फ्रेम कट वाले, ठीक है? वो तुम यहाँ देख करके अब भाई ऐसे में मुझे फर्क पड़ता नहीं है बिकॉज़ आई डोंट पोस्ट एनीमोर, ठीक है? आई हैव लेफ्ट यूट्यूब एंड मतलब ऑफ कोर्स नेहिल कुड नॉट बी दैट बिग ऑफ अ रीजन कि उसकी वजह से यूट्यूब छोड़ दो, आई हैव माय ओन रीजंस, राइट? बट द थिंग इज कि फॉल्सली एक्यूज करने वाली चीज, प्रिंस भाई ने मुझसे पूछा था ये चीज कि स्नेहिल के साथ जो हुआ था, ही सेड कि तुम्हारा तुमने फास्ट फॉरवर्ड फ्रेम कट, तो उसका क्या मामला था, डिड यू डू दैट और समथिंग लाइक दैट, राइट? सो आई एक्सप्लेन टू हिम दैट थिंग, राइट? क्या वाज फॉल्सली अक्यूज्ड? सबसे पहले तो ये आवाज सुनो, ये बताने की कोशिश की मैंने फास्ट फॉरवर्ड करा, ठीक है? हाँ. अगला क्लेम ये क्या करते हैं इसमें, देखिए दूसरी चीज, यहाँ पर ऑलरेडी मार्क है तो सोलोराज भैया को पहले से ही लोकेशन पता थी. इसकी वीडियो देखना अभी. ये क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, ये एक एडिटिंग मिस्टेक है हमारे सोलोराज भैया ने. बंदे के ऊपर स्कोप खुला, देखो एग्जैक्टली बंदे के ऊपर, तो मतलब जहाँ पे स्कोप खुला वहाँ से लेके एनिमी के हेड तक ले जाने में जो टाइम लगा, जो उन्होंने मूवमेंट करी अपने स्कोप की, उसको वो फास्ट फॉरवर्ड करना चाह रहे थे, पर उन्होंने गलती से उस मोमेंट को थोड़ा सा क्रॉप कर दिया. ये रहे क्लिप, ठीक है? कितना झूठा है, देखो कितना झूठ है. ये रहा क्लिप, है ना? नाउ अब दिखाता हूँ मैं अपने चैनल पे, जो मेरे चैनल पे जो क्लिप थी. हाँ, नाउ वॉच दिस, लेट मी शो माय क्लिप. Just tell me कि इस क्लिप में मैंने किधर करा है फ्रेम कट, ठीक है? मेरे चैनल पे किधर है? Okay, look at this. इसके वीडियो देखो गाइस, अभी स्नेहिल ने जो डाला था, ये क्या है भाई?
मेरे क्लिप में किधर मैंने काटा है, लेट मी प्ले इट इन नॉर्मल स्पीड, ठीक है? कितना स्मूथ है ये, इसने एडिट करा हुआ है भाई बंदे ने, ये इतना झूठा है, ये बंदा इतना झूठा है, वो व्यूज के लिए पब्लिक को ऐसा चूतिया बनाता है जैसा किसी ने नहीं देखा। तुमको लगता होगा कि भाई ये इसने जो भी कुछ बोला है, जो भी कुछ बताया वो सब सही है। तुम हालत देखो कि जो इसने सोलोरस के साथ किया ये क्या करा। सबसे पहली चीज मेरे को ये बताओ, इस चीज की क्लैरिटी दो, इसने क्या किया है ये? इसने खुद एडिट करा बंदे ने सोलोरस की वीडियो को, अपने चैनल पे डाला और लोगों को ये दिखाया कि भाई सोलोरस ये कर रहा है, क्या कर रहा है, फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है उसकी क्लिप्स को। ये एक क्लिप हो गई, ठीक है? अब स्नेल भाई आप, मुझे पता है आप एस्केप मारने की बहुत कोशिश करेंगे, तो चलते हैं आपके कमेंट सेक्शन में आपने क्या लिखा है। शोन बाय मी एट 5:30, मतलब ये जो मोमेंट है, ये वाला मोमेंट लगा हुआ द क्लिप्स, हां जहां पे इन्होंने खुद से काटा है, बट चलें इनकी इनकी बात को कंसीडर करते हैं। द क्लिप शोन बाय मी एट 5:30 इज रॉन्ग एज इट टेक्स सम टाइम फॉर YouTube टू कंप्लीटली प्रोसेस अ वीडियो एंड एट दैट टाइम व्हेन आई पिक्ड इट अप फ्रॉम हिज चैनल द वीडियो हैडंट कंप्लीटली प्रोसेस्ड एट दैट टाइम सो द ट्रांजिशन वाज नॉट स्मूथ बट नाउ इट इज स्मूथ इन हिज वीडियो। कहने का मतलब, आराम से प्यार से समझा देता हूं, कि जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी तो वो प्रॉपर्ली प्रोसेस होकर अपलोड नहीं हुई थी, इनका ये कहने का मतलब है, ठीक है? जब इन्होंने क्लिप उठाई तो वीडियो प्रोसेस नहीं थी प्रॉपर्ली, बाद में वीडियो प्रोसेस हो गई तो वो स्मूथ हो गई, राइट? एंड जब इन्होंने उठाई तो स्मूथ नहीं थी, इसी वजह से ये ना ये क्लिप जेन्युइन नहीं है, मतलब इनका कहने का मतलब ये गलती से ऐसे क्लिप आ गई, ये जेन्युइन क्लिप नहीं है। एक पूरी मोंटाज में जिस मोमेंट को आपको एक्सपोज करना है उसी मोमेंट के उसी मिली सेकंड में आपकी क्लिप करप्ट हो जाती है, पहली चीज, ठीक है? दूसरी ये क्या, आप बट आई अश्योर यू एवरी सिंगल क्लिप इन द वीडियो बिसाइड्स दिस इज लेजिट। पहले आप भाई देखिए, आप सेंटेंस थोड़ा सही से फॉर्म करिए, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि इस क्लिप के अलावा जितनी वीडियो में क्लिप्स है वो लेजिट है, मतलब ये क्या है फिर, मतलब ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? खैर जोक सपोर्ट, लेकिन जोक सपोर्ट, आपने क्या कहा कि ये प्रोसेस, आपका कहने का मतलब जब वीडियो यूट्यूब पर जा रही है तो वो प्रोसेस कभी कई बार नहीं होती, ये कहने का मतलब है ना? आपने जब उठाई उस समय प्रोसेस नहीं हुई थी, करेक्ट? नाउ सबसे पहले कि ये बात तो बिल्कुल सच नहीं है कि जब आप वीडियो पे यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करता है कोई भी बंदा, अपनी वीडियो पोस्ट करेगा यूट्यूब पे, जब मैं अपनी वीडियो पोस्ट करता हूँ तो वीडियो पहले यूट्यूब पे अपलोड होती है, उसके बाद वीडियो प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद फाइनली वो पब्लिक के सामने जाती है। मैं यही करता हूँ, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ पब्लिक में, वीडियो अपलोड पब्लिक में करने से पहले मैं या तो अनलिस्टेड में अपलोड करता हूँ या प्राइवेट में। जब वीडियो अच्छे से अपलोड हो जाती है, सारी प्रोसेसिंग हो जाती है, तब मैं उसमें थंबनेल ऐड करता हूँ, फिर उसको पब्लिक कर देता हूँ। I asked ChatGPT about this, जो आपने क्लेम किया था, let me show you, hold on. What does ChatGPT reply? Once a YouTube video is fully uploaded and processed in private or unlisted mode and then made public, there is no chance that YouTube will automatically trim any part of the video due to unprocessed sections. ठीक है, तो आपने सबसे पहले कि आपने ये आपने इतना गंदा कट मार दिया ना मेरी वीडियो पे खुद ही, कि आपको शर्म आ गई और आपने सोचा कि कुछ बहाना बना करके मैं निकलूं यहाँ से, ठीक है? लेकिन आप समझ नहीं रहे कि यू आर नॉट द स्मार्टेस्ट इन द रूम, just because the other person did not respond doesn't mean ki wo matlab galat hai, samajh gaye? I just matlab maine aapko respond karne ka socha tha Snail, pata hai, but I didn't respond to you dusri video aane ke baad ya baad mein videos aane ke baad, because aapne itni begarti wala kaam kar diya na ki mujhe laga ki yaar I thought of responding this person but this ye insaan muh lagane layak tak nahi hai, itna jhootha hai bhai, expose ho gaya bhai aaj ye banda, aapne kya bola? इसके अलावा आई एम श्योर यू एवरी सिंगल, हां इसके अलावा जितने क्लिप है, मतलब कौन से क्लिप, इस क्लिप के अलावा जो आपने यहां पे क्लेम करा था, इस क्लिप के अलावा जितने क्लिप है, ये वाली जो क्लिप आप मोंटाज बताए थे, इसके अलावा जितने क्लिप है वो क्या है, जेन्युइन है ना? टेल मी वन थिंग, व्हाट इज दिस देन? आपने ये इसमें क्या करा है, इसमें क्यों काटा फिर ये आपने, ये क्यों काटा इसको यहां पे, ये ले ये काट दिया, और ये मेरे में कहां है जरा मेरे को ये बताइए जरा, ये मेरे में कहां पर है, इसकी वीडियोस में बताओ गाइस अभी मेरी जान, आपने ये जो करा ना कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड फ्रेम कट करा है और आपकी ये जो वीडियो है, ठीक है, जिसका आपने रेफरेंस दिया है कि आई हैव शोन मोर एग्जांपल्स, भाई आपने कर लिया वीडियो को प्राइवेट, प्राइवेट या कर दिया डिलीट, इन्होंने इतना सारा हगास किया अंदर, हगास, वो वीडियो मेरे पास है जो आपने प्राइवेट करी है ना, वो वीडियो मेरे पास है, आप चिल करें, देखो देखो तुम्हारे बाप ने क्या किया है। इस क्लिप में इनका कहना है कि मैंने रिफ्लेक्स मारा है सैनहॉक में, ठीक है भाई? एक बंदे ने लिखा है कि ये तो बात था कि हैकिंग का और स्कैमिंग का है, अभी मेरे को एक बात बताओ, जब बात ही हैकिंग की थी तो स्कैमिंग की कैसे आई? आई ना, स्कैमिंग की नहीं थी ना, आई ना, उसके बाद वो लड़कियों वाली आई ना, अभी जब वो मेरे पास्ट में जाके मेरी चीज़ें निकाल रहा है भाई, बैंड का बोछड़ा भाई मैं निकालूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, और निकालूंगा, वापस लाइव आऊंगा माँ की, जो मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ये ई वाले की, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मेन जो बिल्डिंग की न्यू होती है वो आपकी ढह जाए तो पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी, आपके छोटे छोटे क्लेम्स का कोई फायदा नहीं है भाई, जिसमें आप ऑडियंस को कई सारे क्लिप्स में स्नेल क्या कर रहे हैं, नॉर्मल क्लिप है, नॉर्मल क्लिप है, वो बोल रहे हैं देखो गाइस फास्ट फॉरवर्ड दिख रहा है ना, मेंटली फोर्सिंग दैट इनटू द पर्सन, मैनिपुलेटिव है भाई, बंदा मैनिपुलेटिव है, मैं तो डे 1 पे ऑडियंस को बोल दिया कि भाई मैनिपुलेटिव है भाई ये बंदा। अब जरा स्लो मोशन में देखो, यहां पर भैया को पहले से ही बुलेट का निशान बन गया, उनको पता है वहां पे बंदा है, क्या कहा इन्होंने, पहले ही वहां बुलेट का निशान बन गया, मतलब सोलोरस भाई को पहले ही पता था कि वहां पे बंदा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, आई एम जस्ट एक्टिंग कि मुझे पता नहीं है बंदा कहाँ है,
नाउ लेट मी शो यू। पर अगर भाई के बिल्कुल चाइनीज प्रो वाले रिफ्लेक्स हैं तो तुरंत अभी तक स्पॉट करके मार भी चुके होते। पर भाई तो मुझे अगर वहां दिख गया तो मुझे मेरे पास अगर सही में रिफ्लेक्सेस होते तो मैं तो घूम के मार दिया होता, राइट? लेट आगे सुनते। मतलब मैं ये कर रहा हूँ नाटक, मतलब गोली पड़े और आप अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करें तो वो नाटक होता है। आपको एक जगह खड़े रहना चाहिए, जैसे गोली पड़े आप एक जगह रुक जाओ, सारी गोली मेरे सीने पे उतार दो। उसका पूरा ये प्ले करोगे ना, सुनने तो ऑडियंस ने खाली बोला क्या है। ओके ओके लिसन, करके मार भी चुके होते पर भाई का नाटक देखो उल्टी डायरेक्शन में भागते हैं और यहाँ पर देखो आपको गोली का निशान भी आएगा। पर भैया वेट करते हैं जब तक उनको गोली टच ना हो और जैसे ही टच होती है तब अपने रिफ्लेक्स दिखाते हैं भाई। लेट मी शो यू माय पीओवी। उन्होंने पता है करा क्या है? इसको क्लिप को शुरू ही एक ऐसी जगह से कारक करा है जहां पे ऑलरेडी फायरिंग शुरू हो चुकी थी। भाई आपको पता होगा जब गेम में फायरिंग शुरू होती है उसी स्पॉट के साथ उसी टाइमिंग के साथ ही आपके ऊपर मार्कर आता है आपके मैप में जैसे ही फायरिंग शुरू होती है, ठीक है? तो यू टेल मी कि यहाँ पे ये क्लिप देखिए एंड टेल मी कि मुझे कैसे पता चले भाई पहले से मार्कर आ रहा है। टेल मी जैसे जैसे ही फायरिंग हुई वैसे ही तो मार्कर आया। लुक एट दिस, लुक एट दिस, सी जैसे ही फायरिंग हुई तो बंदा तो कवर ही ढूंढेगा ना अपना कि मैं कवर में कहाँ जाऊं। तो भाई मैं मेरे पास ना पास में कवर है नहीं, मैं अपनी लोकेशन और ऊपर से एक और बात सुनील भाई, मैं जनरली बताऊं तो मैं स्प्रिंट लॉक पे लगा के खा रहा था उस समय, ठीक है? बट एनी हाउ ये तो मतलब आपको एक्सक्यूज ही लगेगा। लेट्स कीप इट असाइड, लेट मी रिफ्यूट व्हाट यू हैव सेड, ठीक है? आपने ये बोला कि पहले से मुझे वहां साउंड आ गया था, टेल मी कि मुझे कब मौका मिल रहा है रिएक्ट करने का। कहां मौका है भाई, मार्कर तो पहले से है नहीं वहां पे। व्हाई आर यू फोर्सिंग समथिंग दैट इज नॉट इवन अ रियलिटी, मतलब जो सच नहीं है वो भी आप ऑडियंस के दिमाग में डाल रहे हैं। ऐसा 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 के लिए व्यूज और लोगों को हैकर बोल देता है। क्यों? क्योंकि भाई को चाहिए व्यूज, भाई को अपने सीरियसली सीरियसली भाई, बाकी लोग मां चुदा ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है गाना बनाने के लिए, इसको क्या लेने देना है ना? मेरे को तो व्यूज चाहिए, मैं घर पे बैठूंगा, मेरी चेयर लूंगा, ये मेरा मुंह लेके आ जाऊंगा, आके बंद करके बातें करूंगा, यू 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 मुंह बनाऊंगा, अभी फिर वो वीडियो बन जाएगी, मैं मुंह नहीं बनाऊंगा इस बार, तो ऐसे करके मुंह बनाऊंगा। एक और चीज कि अगर तुम्हें लग रहा हो कि मतलब भाई मैं ये कर रहा हूँ, गाइज आई एम लेकिन भाई बहुत क्लियर हो जाओ इस मामले में, मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, अब छोड़ चुका हूँ, राइट? आई विल नॉट गेट बेनिफिटेड इन एनी वे व्हाटसोएवर अगर ये काम करूंगा, तुम्हें जो मैं कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ, ठीक है? बात सिंपल से इतनी कि मेरा साइड आपने अक्यूज करा था, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कि मैं हाल फिलहाल में यू नो कई सारे मेरे लाइक जो मुझे फॉलो करते थे द पीपल यूज्ड टू लव मी वो एडिट्स बना रहे थे मेरी, ठीक है? कि वेयर आई एम, तो उसमें भी नीचे में मेरे कितने सारे फैंस भी वो कंफ्यूज थे कि भाई यार स्नेहिल की वजह से, वो स्नेहिल दे इवन दो दे आर माय फैंस, उनको ऐसा लगता है कि स्नेहिल की वजह से आई हैव यू नो मेरे ऊपर इंपैक्ट पड़ा था, मतलब मैंने कुछ गलत करा था। मेरे अपने फैंस को ये चीज लगती है, आई थॉट कि भाई तब तो अच्छी बात है, फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, थोड़ा खाली बैठा हूं, और प्रिंस भाई ने मुझे मुझसे पूछ ही लिया था, मैं सोचा ठीक है आ जाओ चलो स्ट्रीम दिखाता हूं क्या करा था उसने। अभी आपको ये देख रहा होगा फोन ने, ये फोन का स्क्रीन हल्का हल्का शेक हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं फोन पिक कर रहा हूं, आई वाज ईटिंग, मैं अपना हाथ पोंछ के फोन पिक कर रहा हूं, व्हाई इज इट वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ठीक है? ऊपर से वाइब्रेट करने के बाद क्या हुआ, फोन का जायरोस्कोप ऊपर गया, दिख रहा है? तो ये मैंने फोन नीचे से ऊपर की तरफ हाथ में उठाया, तब जाकर के ये हुआ। अब जो वीडियो आपने प्राइवेट करी है उसमें आपने सबसे गंदा करा है, जो भी करा है भाई, दैट इज इतना क्लियर दिख रहा है भाई कि आपने काट दिया है क्लिप। ये रही है क्लिप जो ये कह रहे हैं कि फास्ट फॉरवर्ड है, ठीक है? क्लिप को ध्यान से देखिए जो उन्होंने खुद करी है, और मैं दिखाऊंगा ओरिजिनल क्लिप वापिस एक बार बैक करके दिखाना, और इसी को यार जरा स्लो मोशन में भी देख लेना, खुद सोच लेना यार 15 सीजन हो गए हमें खेलते हुए, पता नहीं चलता क्या कि नॉर्मल स्पीड क्या होती है प्लेयर की और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डेड क्या होती है। ये आप सुनील भाई स्लो ये क्या करके दिखा रहे हैं, स्लो मोशन, ठीक है? ये देख सीधा एम वहीं खुला खत्म, बात यहां से सिर्फ गेंदा देखो स्कोप इन किया एक, स्कोप इन करा, ये कहां आ गया मैं भाई, आपने तो मेरे को एक विंडो से दूसरे विंडो पर टेलीपोर्ट करवा दिया यार। और अगर आपको लग रहा हो कि ये मैंने कर रहा है, कम ऑन यू आर मोस्ट वेलकम, नाउ टेल मी कि ये मेरे चैनल पे क्यों नहीं है और आपके चैनल पे क्यों है? देखना अभी इसने क्या करा है, पूरी ट्रांजिशन है गन स्विच करने की, उसने काट दी, स्नेहिल ने काट दी, लुक एट दिस। I don't want to leave any thread कि स्नेल खींच सके, ठीक है? First of all, clear cut बता रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे आने का purpose था कि मैं अपनी accusation हटा सकूँ, ठीक है? स्नेहिल कम्युनिटी में क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या कंट्रोवर्सी उनकी चल रही है फिलहाल, उनका कौन सही है कौन गलत है, मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं साइड नहीं ले रहा हूँ। अगर मुझे पता होता आई थिंक मोस्टली आई वुड हैव टेकन साइड, बट मैं कोई साइड अभी नहीं ले सकता क्योंकि मैं पूरा कम्युनिटी कट ऑफ हूँ,
ठीक है, ये डायरेक्ट एक बहुत सडन डिसीजन मैंने जो बनाया है बनाया, ठीक है, मेरा पार्ट या मेरा रोल या फिर मेरा पर्सपेक्टिव या सपोर्ट, सिर्फ मैंने जो आपको दिखाया है ना, जितने चार पॉइंट प्रेजेंट करें, इट इज लिमिटेड टू दैट। कहता कि ये 22 ऐप क्या है, जिस ग्रुप का खुद लेजिट हिस्सा था, और जब प्रो का मैसेज भी आया था, मुझे क्या पता उसके जस्ट 6 मिनट बाद ही लेजिट भैया का। मैं कोई बात बताओ, ये बंदा थोड़ा सा गवार है क्या? मैंने बोल दिया कि भाई इस बंदे को पता नहीं था कि उसके टीममेट्स ऐसे है, तो इसकी गलती ही नहीं है, बात ही क्लियर, खत्म बात। जब इसको पता ही नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? आप तो यही बोलना चाह रहे हो ना कि हैकर लेजिट नहीं है, कि मतलब वो उसकी टीम में से कोई है या हैकर ही लेजिट है? आप बोलना क्या चाह रहे हो मेरे को एक बार एक बता देना डीएम करके आराम से। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाओ प्लीज बात करो, पूछो, ठीक है, आपकी साइड से अच्छा लगेगा आप करो, पूछो मुझे कि भाई ये ऐसा है, ऐसा करो। न्यूज़ पब्लिक को जो आप भेज रहे हो, इसका मेरा मतलब कहने का ये है कि आप पब्लिक को जो न्यूज़ भेज रहे हो सच बताओ। सोलोरस जैसा किया, वो गेम अपना बंद कर दिया अपना कुछ भी रीजंस की वजह से, जिसमें वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि उसको ऐसा झूठ बोल के ट्रॉमेटाइज किया गया, उसको इतना हेट मिला गंदा, वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि भाई आपने ऐसा करा इसीलिए। जैसे टूर्नामेंट में ही दीवार के पीछे मार रहे होते थे जहां पे बंदा होता था, लेकिन स्मोक की इसकी गलती नहीं है, वापस बोल रहा हूं मैं, इसकी गलती नहीं है। ये बेचारा कम खेलता है गेम, टीडीएम में ऐसा स्मोक बुक नहीं होता है, टीडीएम में इतना नॉलेज नहीं होता है। टीडीएम वालों को क्या है, यहां कूदो, ऐसे स्लाइड किया यहां मारा, ऐसे स्लाइड किया यहां मारा। स्काउट और मावी के मैटर में किसी को एक्सपोज करना था नहीं, कुछ करना था नहीं, फिर भी भाई ने ला दिया वीडियो, क्या स्क्रिप्टेड क्वेश्चन टैग, क्यों, क्या लेना देना आपका, आपका काम क्या है एक्सपोज करना गेमिंग में जो लोग हैं उनका? ये भाई वो बंदे बेचारे अपना अपना अंदर अंदर कर रहे हैं, फालतू व्यूज छाप रहा है भाई। इसके पास अब जवाब देने के लिए कुछ होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, गिरेगा, कितना गिरेगा नहीं बोलना मुझे, गिरा, क्या करा उसने, लड़की का भाई, आई एम अ फकिंग गाय, लड़का हूँ मैं, कैसा भी हूँ, मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ, किसी का भी राइट नहीं है उस लड़की के अलावा कि मुझे कुछ भी बोले, अगर वो बोल रही है ये भाई एक कॉमन सेंस की बात है। आप एक ई-स्पोर्ट्स एथलीट हो, आपसे कोई बात कर रहा है, कोई भी लड़की एक्स वाई जेड, आपके पास्ट में ऐसे ट्रॉमा रह चुके हैं कि भाई लड़की, अभी लड़के कितने होते हैं, शाणे होते हैं, तो लड़के क्या करते हैं, लड़कियों की आई डी बनाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे बात तो करेगा नहीं, गे तो हूँ नहीं मैं, तो उनको लगा कि भाई लड़कियों से बात, लड़की बन के बात करते हैं तो भाई रिप्लाई दे देगा, तो ऐसे करके लोग वो बात करते हैं। तो ऐसे मेरे को एक दो बार पता चला कि भाई बंदा लड़की नहीं है लड़का है, तो मेरी वहाँ पे गांड बटी कि भाई ये तो बकचोदी है, ऐसे चोर लोग भी आते हैं इसमें इसके जैसे, तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो उसके बाद जब भी मैं किसी से भी बात करता हूँ, मैं हमेशा सबसे पहले या तो उनका वॉइस नोट, या तो मैं बोलता हूँ कि तुम कॉल कर लो, मतलब बोलता हूँ स्नैपचैट कुछ भी, जिससे मुझे पता चले कि भाई शी इज़ अ गर्ल, बस। तो मेरे को एटलीस्ट समझ आना चाहिए कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो है या नहीं है, ये है मेरा पॉइंट। जो बोलना है बोलो, जो भी करना करो, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसा ही पसंद है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है किसी से भी। तुम प्रमोशन की ये बात करता है कि भाई तूने प्रमोशन क्यों किया, भाई तूने प्रमोशन क्यों किया, बैटिंग का तो इलीगल है, पर भाई फिर अगर ये बोलेगा मुझे सामने से, फॉर एग्जांपल कि भाई बैटिंग का मैंने तब से छोड़ दिया है जब से मेरे को नोटिस आई है, पर भाई गलत तो गलत ही होता है, तुम्हें जब पता ही है कि वो गलत है तो नोटिस आने का वेट क्यों कर रहे हो उस चीज़ का? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं गलत हूँ, ये बैंड का लोड़ा भी गलत है, मेरे को नीचे तुम मेरे सपोर्ट में रहो, पर इसके सपोर्ट में मत रहो भाई, तुम लोग जाना है दूसरी जगह जाओ, इसके सपोर्ट में मत रहो, मैं तो हूँ गलत, मान लो, चलो मान लिया मैं हूँ गलत। मेरे लाइफ में बस वो दो लोग थे, दो, एक तो अंश करके था, अंश बीजीएमआई स्टोर, और एक सक्षम बीजीएमआई स्टोर, ये दोनों, इन दोनों ने चूतिया काटा था, और इतने लोगों का काट लिया भाई, मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। कि भाई ये आईडी प्रमोशन पता है कैसा है, बैन टाइम का था भाई, उसके बाद का तो था ही नहीं, उसके बाद का तो मैंने बहुत कम कर दिया था, मेरे पास इतने सारे चैट पड़े ना, इतनी सारी चैट्स पड़ी है, मैंने सबको मना करा है भाई कि मैं करता ही नहीं आईडी प्रमोशन, कितना टाइम हो गया मेरे को करे भाई, मैं नहीं करता ये, पर इनका काम क्या है, गड़े मुर्दे वो करना, पहले की बातें लाना, अभी भाई जब ये कर सकता है पहले की बातें गेम के अलावा, तो मैं भी कर सकता हूँ पहले की बातें, ज्यादा कुछ नहीं, प्रिंस भाई के उसी ट्रस्टेड, ये अंश जो मैंने आपको बताया भाई, एक बंदे से पहले आईडी लेने की बात, भाई ये बंदे ने कराया भाई, ये तो मुझे भी पता है, इसकी तो गांड मार दो, जब भी जहां भी कोई जानता हो इसका घर का एड्रेस निकालो और इसे पैसे मांगो भाई, सीधा सिंपल सी बात है, चोर चोर होता है भाई, मैं तो ऑब्वियसली बात है मेरे को पता नहीं था, और मेरे पास इसकी चैट भी पड़ी जिसमें इसे लिखा है कि भाई मैंने कभी स्कैम नहीं कराया, मेरे को सिंपल सी चीज समझ नहीं आती कि भाई मैंने क्या करा इसमें। मेरे को तो भाई एक बंदा बोला कि भाई मेरे को ऐसे प्रमोशन करवाने मेरे स्टोर का, मैंने बोला लेजिट है, उसने बोला हाँ मैंने आज तक कुछ नहीं करा ये वो, उसने दो तीन स्क्रीनशॉट भेजे, मैंने बोला ओके जाने दिया भाई, और क्या करेगा इंसान। मैंने ये सब अगस्त के उसके टाइम से ही बंद करा है, मैंने कब से बंद कर दिया भाई, मैंने बोला इन सब में मेरे को पढ़ना नहीं है, क्योंकि मेरे को जिंदगी में ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि भाई ऐसे लोग स्कैम भी करते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को तो इसमें लगती है कि मेरी गलती है, जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी गलती है ये मैं मानता हूँ, और मैं इसमें पूरा ट्राई करूँगा कि भाई पहले तो इस बंदे को पकड़ो जिन्होंने स्कैम कराया, मेरे पे बात आ गई अभी मैं तो उसको पकड़ूंगा, भाई तू पैसे दे, जितने पैसे आए वो ठीक, बाकी जितने भी रिमेनिंग है मैं तो बोल रहा हूँ अभी के अभी अपने सारे स्क्रीनशॉट बचा के रखना, जिसने भी अंश और सक्षम को पेमेंट करा था, मैं ट्राई करूंगा कि भाई मेरी जैसे ही सैलरी आए एक दो महीने में, ये 2024 के पहले मैं सब क्लियर कर दूँ, जो कि मैं कर दूंगा, एकदम सिंपल सी बात है, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद ही दे दूंगा, भले ही मैंने कुछ नहीं करा ना मैं दे दूंगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई, जबकि मेरे को पता भी नहीं था कि वो गलत है।
जबकि मेरे को पता चल गया कि वो गलत है तो मैंने करना बंद कर दिया। लेजिट पे वीडियो बनाना है तो लेजिट पे बनाओ, प्रिंस का नाम लेके लेजिट पे वीडियो मत बनाओ, सिंपल सी बात है। लेजिट पे बात करनी है तो लेजिट को बोलो सीधा, अगर मैं डिफेंड कर रहा हूँ तो बोलो ये है लेजिट, मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, प्रिंस उसको डिफेंड कर रहा है, तो इसका मेन आना चाहिए वो बंदा, मेरे पे नहीं।